हास्य व्यंग का कवि हूं। आदरणीय दिनेश जी ने जैसा कि आपको मेरे विषय में बताया, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, वहां शराबबंदी हो गई तो आजकल दिल्ली रहता हूं। पहले कवि के रूप में मुझे उन्होंने बुलाया है। अच्छे सुनो, अच्छा कई लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया अभी के आनंद को आज ही जी ले। मोबाइल में रिकॉर्ड करने लायक मैं कुछ सुनाऊंगा भी नहीं, मैं सच बता रहा हूं आपको। आपको सारी वीडियो जितनी भी है वो सब यूट्यूब पर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और यूट्यूब पर मिले ना मिले आप मेरी प्रतिभा पर यकीन रखिए, मैं कुछ भी नया नहीं सुनाऊंगा। इसलिए पहले कवि के रूप में मुझे आदरणीय दिनेश जी ने बुलाया है। अच्छे शब्द, मैं पहला व्यक्ति है बिहार का जो बिल्कुल सच बोल रहा है। आप जब बाजार जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है, वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर यह तमाम वैरायटी आपको परोसती रहेगी। हमारी पीढ़ी बार बार आएंगे, आपसे कहेंगे तालियां बजाइए, दाद दीजिए। ऐसा नहीं है, आप बहुत तालियां बजाएंगे तो कविता बहुत बड़ी हो जाएगी, ताली नहीं बजाएंगे तो कविता छोटी रह जाएगी। आपकी तालियां बस कवियों के लिए वही काम करती है जो बाबा राम रहीम के लिए हरिप्रीत करती थी। तालियों का इससे ज्यादा कोई योगदान नहीं है। राजनीति के बहुत सारे पुरोधा यहाँ बैठे हुए हैं, समाज सेवी लोग बैठे हुए हैं, कवि सम्मेलन अपने समय पर प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि राजनीति से बहुत राजनेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इसलिए एक बात मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन किसी भी राजनेता की ईमानदारी को मापने का पैमाना होता है। कोई राजनेता 100% कवि सम्मेलन सुनकर जाए तो वो 100% ईमानदार, 50% सुनकर चला जाए तो 50% ईमानदार। आज बहुत सारे लोगों के पास ये अवसर है, बस ये स्थानीय में लागू नहीं होता है। जी मैं जानता हूं, मैं जिला गाजियाबाद में, इसीलिए आप लोगों पर कुछ भी लागू नहीं होता है। मैं हास्य का कवि हूं, चार चार लाइनें आपको सुनाऊंगा, राजनीति पर हास्य व्यंग करता हूं, और यहां पर मैं जानता हूं सभी पार्टी दल के लोग हैं, सभी से मेरी भी अपनी अच्छी मित्रता है, लेकिन कवि जो भी समाज में देखता है उसको वह लिखने का काम करता है, क्योंकि मैं जिन कवि सम्मेलन में जिनकी भूमिका में हम सब कवि यहां पर आए हुए हैं, आदरणीय हरिओम पवार जी, वो ऐसी शख्सियत है जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। उन्होंने कभी भी अपनी वाणी को की तेज को कम नहीं होने दिया। तो मैं जो कुछ भी देखता हूं उसको देखकर बस कोशिश करता हूं आप लोग बस अभी के आनंद को अभी जी लीजिए। चार चार लाइनें सुनता हूं, स्वागत, आप लोग जुड़ते चले जाएंगे, आनंद लीजिए। तुम तोड़ो वादार हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादार हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहे, जब तक नहीं आते। मैं कल को हार गया तो कौन देगा, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। और अगली चार लाइनें हास्य का एक विलक्षण प्रयोग सुनिएगा, दिनेश भैया आपको सर्वाधिक पसंद है, आपको ही सौंपता हूं, कमाल है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये
लोग का कर्तव्य है। एक बार तालियां थोड़ी सी दे दीजिए और बहुत बहुत मोदी ने ये कहा आधार से न जाई तेरी लिंक नहीं है। और पिछले दिनों बिहार में सरकार टूट गई, सरकार टूट गई तो लोगों ने तरह तरह की बातें कही। लोगों ने कहा कि ये सरकार अमित शाह जी ने तुड़वा दिया, लोगों ने कहा कि ये मोदी जी ने तुड़वा लिया, लोगों ने कहा कि ये सरकार नीतीश कुमार ने खुद ही तोड़ लिया। लेकिन गाजियाबाद के प्रबुद्ध लोगों, आपको लगे कि एक कवि ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ ली है कि बिहार में सरकार टूटी क्यों, तो आप लोगों का भरपूर तालियां उठाना चाहूंगा। बिहार में सरकार टूटी क्यों, चार लाइनों में आप तक जी स्वागत है। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा, एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती राजनीति दे गई बिहार। मैं तो मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, पर मुझे पता है यहाँ गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में भी बहुत बिहारी हो गए, इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं, सारा का सारा कसूर इन एनसीआर वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में खुशखुश कराना पड़ता है। केले वाले के पास का मैंने पूछा केले कैसे दे रहा, बोला कि 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे, कुछ कम कर ले, तो भाई ने तो केले ही कम कर दिए। बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। अद्भुत मामला, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला जब बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा, बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट है तकली मुझे, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं भी बुरका और चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी। तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए, तो जो तालियां आप लोगों ने अब तक नहीं बजाई है, मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं। बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। दिल्ली गाजियाबाद के बहुत ही नजदीक में है दिल्ली, दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्या का समाधान करें, दिल्ली वाले उन्होंने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना के अद्भुत ही मामला है। आपको याद होगा 1.5 साल पहले बयान दिया था 6 महीने के लिए पुलिस मेरे हवाले कर दूं, मैं उनके घर गया, मैंने कहा कमाल है केजरीवाल जी पुलिस भी आपके लिए यही कह रही थी, असल में बस 2 दिन के लिए हमारे हवाले कर दो, पर आजकल तो साथियों समेत कर दो। चार लाइन सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। पिछले दिनों परम पूज्य संत आसाराम बापू से मिलने के लिए सलमान खान एक दिन के लिए जेल गए, उन दोनों में आपस में जो बातचीत हुई हास्य व्यंग में पढ़ता हूं, आप लोग आनंद लीजिएगा जी। रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, जैसी थी करनी वैसी ही भरनी फंसा गई, सलमान को देखा तो आशाराम ने कहा तुझको यहां हिरन मुझे हिरनी की दोनों की चरनी फंसा गई, जैसी थी
गर्मी फंसा गई। सलमान को देखा तो आशा राम ने कहा, तुझको जहां हिरन मुझे हिरनी फंसा गई, तुझको जहां हिरन मुझे हिरनी फंसा गई। ऐसे भी चोर थे जो लंगोटी चुरा गए, और ऐसे आए जो कई चोटी चुरा गए। संतान जो चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी। उत्तर प्रदेश में हूँ, चार लाइनें सुनाता हूँ। मोदी के भाषणों का कभी वेट होगा कम, कवियों का कभी ना कभी तो रेट होगा कम। योगी के राज में भले कुछ कम हो या न हो, पर देख लेना तुम पुलिस का पेट होगा कम, पर देख ले। पहले वो आदम खान की भैंसे ढूंढती थी, आजकल योगी जी की गाय पकड़ रही है। लेकिन चार लाइन जो सुनाता हूँ, उत्तर प्रदेश में वास्तव में जो बदलाव आया है, हाँ बोलो, पिछले 1.5 सालों में जो बदलाव आया उत्तर प्रदेश में, आज से 1.5 साल पहले कोई लड़की घर से बाहर निकलती थी तो माँ बाप 4-5 घंटे बाद पूछ लेते थे, बेटा कहाँ है, कब पहुंचेगी, जल्दी घर आ जाना। 1.5 साल में परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। कोई लड़का घर से बाहर निकलता है, माँ बाप 2-2 घंटे बाद पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर दुर्गा तो नहीं पड़ा। ये जो परिस्थिति में बदलाव आया है, उंगलियों को पिराने नहीं देते, खबरों को पास कलियों के जाने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने। संस्कृत का अध्यापक आए, बोले तमसो मा जो दीर्घ, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं। मैंने किया, मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित का अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 महीने के लिए दिए, तो 10 महीने बाद कितना लौट आएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौट आएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी का अध्यापक ने प्रश्न किया, हिंदी का अध्यापक ने प्रश्न किया, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी का अध्यापक दोबारा आए, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब यह है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान का अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है। मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा एक पढ़ता हूं, दुष्टता भी कर रहा हूं, समझ में आ जाए तो आप बता देना। पिछले दिनों मोदी जी कहते नासा वैज्ञानिकों ने दो मिसाइलें पकड़ा दी। मोदी जी ने पूछा जिन मिसाइलों को मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा दो मिसाइलें भेंट कर दी। मोदी जी ने कहा मैं इन मिसाइलों का क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो ऊंची फेंकने की आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा।
करना बना दू इराद मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दू टोपी तो बेचता हुआ बोला कि बापूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना ला 20 रुपए दे मैं तुझ और व्यंग्य की बारीक लाइनें पढ़ता हूँ मैं लाइनें वही सुनाता हूँ जहाँ के श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं बुद्धिजीवी वो होता है जो जीरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग चेक करता है मैं आपको सुना रहा मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूल फलेगा आके दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा बाबा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि शंभू तूने हास्य जितना कुछ भी लिख दिया हो लेकिन कविता में 4 लाइनें तू ये पहली बार लेकर के आया उनका आशीर्वाद मिल गया ये मैं इसलिए पढ़ देता हूँ आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आपको लगे कि मैंने सचमुच दिनेश भैया कुछ 4 लाइनें लिख दी हूँ क्योंकि दिनेश रघुवंशी जी के संचालन में कवि सम्मेलन हो रहा है ये वो कवि हैं जो पिछले 20 बरस से हर रोज 4-4 लाइनें इनके अखबार में छपी है 1500 से ज्यादा पुस्तक जो वहां पर लिख चुके हो 1000 से ज्यादा पुस्तक जो किताब पर लिख चुके हो वो उनके संचालन को देख देख कर हमने लिखना सीखा मुझे अभी भी याद है मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था इनका कवि सम्मेलन हुआ मैं दौड़ के गया था इनका ऑटोग्राफ लेने के लिए अभी तक रामकृष्ण कॉलेज बात इतिहास दोहरा था मैं तेरा ऑटोग्राफ लेने दौड़ के जाता हूँ बात और एक तो ये ध्वनि तरंगित होती है मैम ये मोबाइल प्लीज सभी के पास मैं प्रार्थना करूंगा साइलेंट मोड पर कर लीजिए प्लीज हाथ जोड़ बंद है आजकल महिलाओं की हंसी ऐसी हो गई अलग अलग मैं सच बता रहा हूँ मैंने तो खुद बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा बोले बेटा लव मैरिज ही कर ली हो शक्ल दिखा के तो वैसे भी नहीं होगी जब ये बात चलती है सरकार कहती है पिछले 70 सालों से हम यह बात सुनते आ रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे मंदिर कब बनेगा पता नहीं मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ सरकार ने मंदिर बनाया नहीं बनाया आपको लगे कि बिल्कुल सही लाइनें मैंने पढ़ दी है जी। आप लोगों तक मैं पहुंच गया हूँ तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए 4 लाइनें पढ़ता हूँ और अपना सुना जी आप लोग बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं मंदिर बस आप लोग ध्यान रखिएगा अंधों में जो काने थे वो सरदार बनाए अंधों में जो काने थे वो सरदार बनाए और डूबती नैया को ही पतवार बनाए मंदिर भले सरकार बना पाए या नहीं अगली बात आपको लगे कि मंच के सबसे छोटे कवि ने सबसे बड़ी बात कह दी है तो आपकी सबसे बड़ी तालियां भी चाहता हूं मंदिर भले सरकार बना पाए या नहीं पर मंदिरों ने कितने ही सरकार बनाए